हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूँ बी राइट विजन क्लासेस में। दोस्तों काफी लेट वीडियो आ रहा है, थोड़ा बिजी था, ठीक है, लेकिन आगे से थोड़ा कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करने की। वैसे भी मैथ्स कम्प्लीटली कम्प्लीट होने वाला ही है, ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर एक दो टॉपिक बचता है तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि वीक में एक दो बार तुम्हें वीडियो डाल ही दूँ। चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग, चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप लोग अगर अपनी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे मैंने पेटीएम नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। कंपल्सन नहीं है, एस जो भी आप करना चाहें। मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे किया है, वो आप ही के लिए मैंने उसमें लगा दिया है, ठीक है। कई चीज़ें मैंने नई अपडेट कर लिया, अपडेट किया है कि इनसे और बेटर क्वालिटी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, थैंक यू वेरी मच। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं परसेंटेज का पार्ट। दिया गया है क्वेश्चन की इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, मतलब 25% मार्क्स उसने गेन किए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 21 मार्क्स से फेल हो गया, फेल्ड बाय 21 मार्क्स, मतलब एक मिनिमम अंक होंगे कि इतने पे पास है, वहां से 21 उसके कम है। अनदर स्टूडेंट स्कोर 55% मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट ने 55% स्कोर किया और वो 24 नंबर से पास हो गया, मतलब जितने मार्क्स मिनिमम थे पास होने के लिए उससे वो 24 आगे चला गया। चलिए आपको बताना है पासिंग परसेंटेज क्या है। मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों के तीनों क्वेश्चंस क्या है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जैसे फाइंड आउट पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज क्या रही होगी, एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे और मिनिमम मार्क्स क्या होंगे एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। हिंदी में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको लेके चलते हैं हम एग्जाम को। हम मान लेते हैं कि 25% मार्क्स उस लड़के के आए होंगे और वो 21 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब एक हम लोग मान लेते हैं एज्यूम कर, जैसे एसएससी में ही है बैंक में कट ऑफ होती है, उसकी कट ऑफ से जो कट ऑफ होगी उससे 21 नंबर कम आए हैं, ठीक है। ये कट ऑफ यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि वो x रही होगी, अभी x की वैल्यू भी निकालेंगे, वो मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे हमारे, ठीक। दूसरे के हैं 55% और उसके आए हैं 24 नंबर से वो पास हुआ है, यानी कट ऑफ से भी 24 नंबर वो ज्यादा लेके आया है, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 30% का और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस देखो 24 में से, अगेन याद रखना इसको अच्छे से, माइनस 21 को माइनस किया है तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 3 मत लिख देना गलती से, ठीक है। तो कितने हो गए 45 हो गए, 30% है 45, तो 100% यानी कि एग्जामिनेशन के फुल मार्क्स कितने हैं 100%, 100% पे कितना हो जाएगा ये 100% पे यहां से कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये 150, यानी कि एग्जाम के जो टोटल मार्क्स रहे होंगे वो कितने होंगे 150 होंगे, यानी कि ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये कितने हैं मैक्सिमम मार्क्स है, 250 नंबर का, 150 नंबर का पेपर था, ठीक। अब बात करते हैं कि बंदे ने जिसने 25% लिया है, जैसे 150 अपॉन में 25 यानी कि इसके कितने हैं वो हम लोग एक बार अगर बात कर लेते हैं, 25 से अगर हम इसको क्या कर दे कट कर दे तो ये कितना आएगा, सॉरी 25% है, 150 का 25% निकालना है हम लोगों को, ठीक है, यानी कितना हो गया होगा 37.5 मार्क्स। इस लड़के के 37.5 मार्क्स आए होंगे और कितना कम है 21 नंबर कम है, यानी 21 और उसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 58.5 मार्क्स। तो ये क्या है मिनिमम नंबर है जिन पे वो पास होगा, यानी ये कट ऑफ हो गई 58.5, और कट ऑफ की परसेंटेज क्या है अगर उसने पूछा हो तो सिंपली आप क्या करेंगे 58.5 को 150 से डिवाइड करके 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और जब कट करेंगे तो आएगा 39%, तो 39% पे वो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स होंगे, कट ऑफ होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मिक्सचर एलिगेशन में भी कराया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार मिक्सचर एलिगेशन को भी देख लेंगे, वैसे मैं यहाँ पे भी उसको रिपीट करूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, हम लोग परसेंटेज में कैसे करेंगे उसको देखते हैं। इन अ रूम देयर आर डॉग्स एंड क्रोज, इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280, इफ द लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820, ठीक है। आपको बताना है कितने डॉग्स और कितने क्रोज हैं। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, काउंट नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखते हैं दोस्तों, दिया है 280 हेड्स है और 820 लेग्स है। अगर हम इसी को देखें कि 820 अपॉन में 280 करें तो लगभग लगभग 2.92 आता है, आगे भी कुछ आएगा। मैंने जो मिक्सचर एलिगेशन में आपको तरीका बताया था वो इस तरीके से बताते, जैसे हमारे पास में क्रोज है तो उनके पास में रहेगी 2 लेग्स, और जैसे डॉग्स है तो उनके पास में रहेंगे 4 लेग्स, यानी यहाँ पे डॉग्स, यहाँ पे क्रोज, 4, 2 और 2.92, और यहां से आप मिक्सचर एलिगेशन को निकाल के उनका रेशियोज निकाल लेंगे और वहां से उनको कैलकुलेट कर लेंगे। एक तरीका ये भी था, लेकिन वो तरीका वहां बेटर है जब ये पॉइंटों में ना आए। अगर पॉइंटों में भी आए तो वो एग्जैक्ट आए, 2.9 आ जाता, 2.8 आ जाता, 9.5 आ जाता, कुछ इस तरीके से तो बात बन भी जाती। ये 2, 3 और आगे भी कुछ है इसमें, वहां बात नहीं बनेगी। क्या करें, दूसरा तरीका देखते हैं हम इसके, ठीक है। 280 हेड्स है मेरे पास, और है मेरे पास एक क्रो और ये डॉग, यानी इसकी भी 2 लेग्स और इसकी 2+2 लेग्स, इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी भी 2 लेग्स और इसकी भी 2 लेग्स। चलिए अब यहां से ये 2 और 2 ये उठा लेते हैं हम, ठीक है। कैसे, 280 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, मतलब कंप्लीट इसका और इसका, ये तो दोनों कंप्लीट जाएगा ही जाएगा, यानी अगर सिर्फ इतना ही हो तो कितना हो जाएगा, ये 560 हो जाएगा, हो जाएगा, यानी ये 560 तो कंप्लीट काउंटिंग में आ गई है लेग्स, तो यहां से उसको कट करवा दो, यहां से ये कट करें 0, 12 में से 6 गया तो 6 और यहां पे 2, यानी कितना मेरे पास में अभी भी लेग्स बाकी है, 260 लेग्स बाकी है, और वे किसकी, ये डॉग्स वाली बची हुई है, यानी 260 अपॉन में मैं 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, और ये काउंटिंग हो जाएगी मेरी डॉग्स की, यानी कि कितने हेड्स हो जाएंगे, 130 डॉग्स, और 280 में से अगर मैं 130 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 150, ये मेरे क्या हो जाएंगे, क्रोज हो जाएंगे। आप देख लो ऐड करके, 150 130, 280 हेड्स हो गए कंप्लीट, 150 में मल्टीप्लाई करो 2 का, यानी 300, ये तो किसके हो गए, क्रोज के होंगे लेग्स, और 130 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 का, यानी 520, और ऐड करा तो कितने हो गए, 820, तो कंप्लीट मेरा क्या हुआ, सॉल्यूशन कंप्लीट आ गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, 280, 2 लेग्स, 2 लेग्स, 2 लेग्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इन हेड्स में, यानी इतने हेड्स हमारे काउंटेड हो चुके हैं, बचे हुए क्या करेंगे, रिमेनिंग में से इसको डिवाइड कर देंगे, तो उतने हेड्स हमारे आ जाएंगे जो बचा हुआ था उसके, और बाकी के क्या हो जाएंगे, अनदर वन के आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 6000, इफ मेल्स आर इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाय 9%, द पॉपुलेशन बिकम्स 6500 आफ्टर 1 ईयर। आपको बताना है मेल्स और फीमेल्स की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सेम क्वेश्चन जो हमने पहली बार किया था, इससे पिछला क्वेश्चन किया था, उसी पे लेके चलेंगे। ये मेल और ये फीमेल, ये 5% बढ़ा है और ये बढ़ा है 5+4, क्योंकि 4% एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना, 9%। अब देखो, और टोटल बढ़ी है 500, क्योंकि 6000 से कितने बन गए, 6500 हो गए, यानी इंक्रीज कितना हुआ, कुल 500 हुआ, ठीक है। ये 5% तो दोनों बढ़े हैं ना, यानी 5% कितना होगा वो देख लेते हैं। यहां से ये हो जाएगा 300, मतलब 300 बढ़े हैं, है ना, कितना रह गया, 200। ये जो 200 हैं ये क्या है, फीमेल्स हैं, यानी फीमेल्स 4% बढ़ी हैं,
जो कि कितनी है 200, और अगर मैं यहां से इसको कट करता हूं तो कितनी हो जाएंगी फीमेल्स 5000, और मतलब मेल कितने रह जाएंगे 1000, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हिंदी वाले साथ साथ लिखते रहेंगे। किसी इलेक्शन में, चुनाव में, दो कैंडिडेट आपस में लड़ते हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला और 12.5% जो वोट है वो इनवैलिड हो गई, गलत हो गई। जो वैलिड वोट्स हैं उनमें से 60% विनर को मिली और वो 5600 वोटों से जीत गया। आप लोगों को बताना है कि वोटिंग लिस्ट में कितने नाम थे या कितने कैंडिडेट्स थे, ठीक है, कितने वोटर्स थे। ठीक, चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये हो गया मेरा वोटिंग लिस्ट जिसमें 100% के 100% क्या है, वोट है। ठीक, अब इस 100% वोट में से 20% तो आए ही नहीं, मतलब डिड नॉट वोट, यानी कि कुल कितनी वोट डली होंगी, 80% लोगों ने वोट डाली होगी। उसमें से भी 12.5% क्या हो गई, इनवैलिड। किसमें से, इस 80 में से 12.5% क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। तो 80 में से 12.5% यानी के 1/8, तो वोट कितनी डली होगी, कुल 7/8। कैसे आया वो देख लेते हैं। 12.5% को अगर मैं ऐसे लिखूं 25/2% को 1/100 कर दूं तो ये हो जाएगा 1/8, यानी इतनी वोट डली नहीं, 1/8। तो वोट कितनी डली होगी, 7/8 डली होगी, ये बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, यानी कुल कितना परसेंट वोट डली होगी, 70% वोट डली होगी, और ये 70% क्या है, वैलिड वोट हैं। ये हुई वैलिड वोट। अब बात करते हैं आगे की, 70% वैलिड वोट में से 60% वोट तो ले गया विनर, और बची हुई 40% कौन ले गया, जो लूजर होगा। यानी कितना, 20% पे कितनी वोटों से जीता है वो, 5600 वोट से जीता है। अगर मैं 1% की वैल्यू यहां से निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। ठीक है, ये 280 क्या आया, ये आ गई वैलिड वोट। अब देखो अगर मैं ये कंप्लीट करता हूं यहां पे कि ये 100% होनी चाहिए तो कितना बनेगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आगे का करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों का 1% वैलिड वोट की वैल्यू कितनी आई है, 280 आई है। ठीक है, 1% वैलिड वोट की, और 100% वैलिड वोट्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास में, 28000 हो जाएंगी। ये तो सिर्फ वैलिड वोट्स हैं जो कि 100% है, और वो 100% किसके बराबर है, 70% के, यानी 70% की वैल्यू कितनी है, 28000, और वोटिंग लिस्ट की वैल्यू कितनी है, 100%, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, 28 का गुना करेंगे हम किससे, 100 से, और 70 से क्या कर देंगे डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा 40000। तो टोटल वोटिंग लिस्ट कितनी हो जाएगी, 40000 लोगों की। जो ये 100% है ये वैलिड वोट्स हैं अपने आप में 100%, और वो किसके बराबर है, सिर्फ 70% के बराबर है। तो जो ऊपर वाली है ये क्या होंगी, जो इनवैलिड और नहीं डालने आए वे भी इसमें कैलकुलेट होंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेम ऐसा ही है जो वोटिंग लिस्ट पे था, कि मिस्टर एक्स स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड। मिस्टर एक्स अपनी आय का 50% घर के खर्च पर खर्च कर देता है, बचे हुए का 50% वो यातायात पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, और 10% खेल पर खर्च करता है। उसके बाद भी वह ₹900 बचा लेता है, तो मिस्टर एक्स की मंथली इनकम क्या है, कैसे करेंगे। मान लेते हैं मिस्टर एक्स की मंथली इनकम जो रही होगी वो 100% रही होगी,
इसमें से 50% तो उसने खर्च कर दिया हाउस होल्ड पर और 50% उसका रह गया होगा, ठीक। उस 50% जो बचा हुआ है उसमें से भी 50% उसने खर्च कर दिया ट्रांसपोर्ट पर, 25% खर्च कर दिया उसने एंटरटेनमेंट पर, 10% खर्च कर दिया उसने स्पोर्ट्स पर। 50, 25, 75, 10, 85, इस 50 का 85% वो क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है, ठीक। यानी उसके पास में कितना बचा हुआ है, कुल 15% बचा हुआ है, जो कि किसके बराबर है, 900 के बराबर है, ठीक है। ये 15% बचा हुआ है जो किसके बराबर है, 900 के बराबर है। अब पता ये करना है कि कुल कितनी आय उसकी होगी। ये 15% इस 50 में से है, तो बस इसी को ही काउंट कर लेते हैं कि ये 100 कितना होगा। इसको मैं 100 अगर मान लूं तो 900 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 15, यानी कि ये हो जाएगा 6000 रुपीज। ये 6000 रुपीज जो अपने आप में 100% है, कुल 50% है, यानी दो टुकड़ों में बटा हुआ है 50-50, तो टोटल कितनी इनकम हो जाएगी उसकी, 6000 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी के 12000 रुपए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। परसेंटेज दोस्तों ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको रिकवर कर लूं। इसके बाद में हम लोग एज का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और हमारा मैथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, शायद एवरेज है, एज और एवरेज, ठीक, उनको हम कंबाइन करके खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों सीखते रहिए इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा होता जा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।